5 जनवरी 2022 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तमाम शाह मर्दा के ताल्लुक से तमाम कमेटियों को तहलील करते हुए एक नई कमेटी, मैनेजिंग कमेटी ऑफ दरगाह शाह मर्दा तश्कील दी है। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पिछले कई महीनों से मसला चल रहा है करप्शन को लेकर के, क्या मसले चल रहे हैं शाह मर्दा? देखिए, मसला तो पिछले 12 साल के करप्शन का है, जो पिछले 12 साल में वहाँ कमेटी काम कर रही थी, नकली कमेटी काम कर रही थी, काबिज कमेटी काम कर रही थी, उस कमेटी ने पिछले 12 साल से ऑडिट नहीं करवाया है। और ये कई 100 करोड़ का घपला है जो 2019 से हमारे सामने आया, जो 2019 से अब तक है, ये तकरीबन 200 करोड़ रुपये का घपला है। इसके खिलाफ हम जांच कमेटी बनाई गई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, और जांच कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो इंशाल्लाह रहमान हम इसको दिल्ली हाई कोर्ट मूव करेंगे और इनके खिलाफ जो हमने पिटीशन दायर करनी है उसमें इनसे रिकवरी की जाएगी और इनको जेल पहुंचाया जाएगा, इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अंजुमन हैदरी जो है लगातार पिछले कई सालों से काम कर ही रही है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा? अंजुमन हैदरी जिसको आप समझ रहे हैं, दरअसल ये अंजुमन हैदरी है ही नहीं, ये तो काबिज लोग हैं जो अंजुमन हैदरी का स्टिकर अपने गले में टांगे फिर रहे हैं। ये अंजुमन हैदरी के लोग नहीं है। अंजुमन हैदरी जो 2010 से एक्टिव है ही नहीं। अंजुमन हैदरी के लास्ट जो जनरल सेक्रेटरी थे वो गुलाम सज्जाद साहब हैं, आप उनसे ओखला में जाके मालूम कर सकते हैं। ये तो अंजुमन हैदरी की तख्ती डाले फिर रहे हैं। अब जिस तरीके से नई कमेटी बनाई गई है, नई जिम्मेदारी दी गई, किस तरीके से लेकर चलेंगे? देखिए, जहाँ तक जो जिम्मेदारी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मुझ पर यकीन किया है, जो मेरी पूरी टीम ने मुझ पर यकीन किया है, जो दिल्ली के मोमिनीन ने मुझ पर यकीन और भरोसा किया है, इंशाअल्लाह रहमान इमाम की सरपरस्ती में, उसके बाद हम चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड की सरपरस्ती में, उसके बाद हम अपने सदर मोहतरम जनाब अजय रजा साहब की सरपरस्ती में इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे दरगाह को। और कोई खास पैगाम? मैं कौम को दो ही पैगाम देना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप हमने अपनी इस तहरीक को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक गासिब माले इमाम है और एक मुहाफिज माले इमाम है। ये आपको फैसला करना है, ये आपको जानकारी हासिल करनी है कि इन दोनों में से हम सही हैं, वो सही हैं, और आप किस तरफ आना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले रिहाइश पजीर सभी मोमिनीन से गुजारिश करता हूं कि 18 साल के बालिग हजरात दरगाह शाह मर्दा की मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बने। क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब हमारा एक घर होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उसमें पेंट करवाते हैं, उसकी टूट फूट करते हैं, तो इसी तरह ये माले इमाम की प्रॉपर्टी है और माले इमाम की प्रॉपर्टी का हमसे सवाल किया जाएगा कि जब आप दुनिया में भेजे गए तो आपने हमारी प्रॉपर्टी के लिए क्या किया। तो जब हम अपने इमाम के सामने पेश होंगे, जिस तरह हम अपने माल की, अपने बीवी बच्चों की, अपने माल और ज़र की हिफाजत करते हैं, उसी तरह हम माले इमाम की भी मुहाफ़ज़त करेंगे। कमेटी में कौन लोग मौजूद हैं आपके साथ में, क्या नाम है उनके? क्या कमेटी में सबसे पहला नाम हमारे सदर मोहतरम जनाब अजय रजा जैदी साहब का है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जफरयाब हुसैन है, उसके बाद वक्फ सेक्रेटरी अली काजिम है, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी सिप्तैन नकवी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जाहिर अब्बास हैं, सलमान भाई हमारे मेंबर हैं, मकबूल भाई हमारे मेंबर हैं, बशारत भाई हमारे मेंबर हैं जो इस वक्त किसी वजह से यहाँ नहीं है मौजूद, ये सब लोग हमारे साथ हैं। टोटल कितने मेंबर? देखिए, अभी जो कमेटी तश्कील दी गई है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत 11 मेंबरों को रजिस्टर्ड किया गया है, उसके बाद इस कमेटी का फैलाव होगा वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बाद। तो ये माना जाए कि अब आगे मुस्तकबिल में जो है अच्छे बेहतर काम होगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह रहमान हम अपनी तरफ से बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। बहुत अरसे के बाद शाह मर्दा कमेटी अच्छे हाथों में बनाई गई है। ईमानदार लोग इसमें, ईमानदार लोग हैं इसमें, और लोग ही नहीं, इसमें एक ICS अफसर है जो कानून को जानते हैं, सारी ऊंच नीच को जानते हैं, वो कमेटी को कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक चलाएंगे। जो ICS अफसर हैं, जितने हम लोगों के यहाँ इस वक्त कह देंगे, उन सब में वो आला हैं। उनसे उम्मीद है कि वो इस टीम को ठीक ढंग से चलेंगे लेके, और जो पिछले इसमें ये जमात है गबन के, इसके उसके, ये सब खुल के सामने आएंगे और आने भी चाहिए, और आने चाहिए, आने भी चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम अगर सुन्नी हैं और ये शिया हैं तो ये एक मसला नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम भी मानने वाले हैं, ये भी मानने वाले हैं,
और जहाँ तक सरफराज भाई ने कहा कि दो बातें हैं, एक तो गाजी भी माल हैं इमाम है और एक मुहाफिज़ इमाम है, तो हम मुहाफिज़ इमाम का हर तरह से साथ देंगे, यहाँ कोई कैद नहीं है किसी चीज़ की भी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हर तरह से हम इनके लिए जेल गोली खाना ये सब छोटी बातें हैं, अपनी हद से भी बढ़ के इनका साथ देंगे हम, और ये हमारा शेर ही, हमारा भाई है, हमारे साथ खेला है, हमारे मोहल्ले का रहने वाला है, हमें खुशी है कि ईमान की इस लड़ाई में हमारा नुमाइंदा एक हमारा साथी है, हमें खुशी है और हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इसको किसी भी कीमत पे, हम इसके आगे आ जाएंगे हर तरह से, हर तरह से तन मन धन से इस कमेटी के साथ हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, साहिब रोज़गार हैं, कोई गबन करने वाला नहीं है, ये सब मालदार आदमी है, पैसे वाले आदमी हैं, लेकिन इनको लगन यही है कि जब इन्होंने देखा कौम का पैसा बर्बाद हो रही है और खाया जा रही है, ये मुस्तैदी से आगे आए, बहुत अच्छा करा इन्होंने, और लोग भी इनसे सबक लें और इनका साथ दें, इनकी टांग ना खींचें, इनका साथ दें, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, वही लड़ाई है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने लड़ी थी, और वही लड़ाई आज ये लड़ रहा है, हम इनका साथ देंगे हर तरह से तन मन धन से।